वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रिपरेशन और स्टोरेज और फिर कंसंट्रेशन का जो मेथड्स है, मोलरिटी, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, इन सबों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वो वाला वीडियो आप देख लेंगे एक बार, तो इसको देखेंगे तो ज़्यादा जो है सो दोनों कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो टॉपिक है वो। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो चीज़ हम लोगों को पता है कि ये जो है सो अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड खुद ही डिकम्पोज करता है H2O2। अगर ऐसे हम लोग देखें कि ये H2O और फिर O जो है सो रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर जो ये O आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो ड्यू टू द रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और दूसरा, ये ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। एंड ब्लीचिंग एजेंट भी है ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। हेयर ब्लीच के तौर पर जो है सो इसका फेमस यूज हो रहा है, ये आप जान रहे होंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसका कारण हम लोग अगर देखें तो एक और पता चलता है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का कैलकुलेट करें, तो हाइड्रोजन का 1:2, ऑक्सीजन जो है सो एक्स दो है, ये ज़ीरो। तो यहाँ से 2x = -2x = -1, तो ये -1 आता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इस कंपाउंड में H2O2 में जो है वो आपको दिख रहा है कि -1 है। ये आगे भी जा सकता है, ये जो है सो ज़ीरो तो आराम से आपको पता है कि फ्री स्टेट में वो ज़ीरो होता है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी होता है, मोस्ट फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 ही है। तो -1 से वो घट भी सकता है और -1 से वो बढ़ भी सकता है। तो जब -1 से बढ़ेगा, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से बढ़ता है, खुद का जब वो ऑक्सीडेशन करवाता है, तब वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। और अगर वो -1 से -2 हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का है वो अगर -1 से -2 हो जाता है किसी रिएक्शन में, तो वो अपने आप को घटा रहा है और इस रिएक्शन में वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी काम करेगा। फिर क्या है कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड के रिएक्शंस को हम लोग एक टेबल बना करके समझें तो ज़्यादा आसानी होगी। अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी दो कंडीशन है क्या? तो एक तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर सकता है और दूसरा जो है सो बेसिक मीडियम में कर सकता है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा जब काम करेगा तब भी दो पॉसिबिलिटी है, ये इसमें भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास जो है सो 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 तरह का रिएक्शन हम लोगों के पास होगा। और हम लोगों से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बेसिकली इसी नॉलेज से सवाल पूछा जाता है। एक तो IIT में सिंपल सा सवाल पूछा गया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसा बिहेव करता है, ऑप्शन में यही सब दिया हुआ था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, तो सब ये सब बात मिला करके क्वेश्चन बनाया गया। दूसरा सवाल पूछा जाता है जिसमें एक केमिकल इक्वेशन दिया रहता है और आपको उस केमिकल इक्वेशन में आइडेंटिफाई करना होता है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। जनरली प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछा जाता है, लोगों को लगता है कि इसमें जो रिएक्शंस है उसके आंसर्स कैसे याद रखें,
तो प्रोडक्ट के बारे में उतना पूछा नहीं जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ये गलत जो है सो प्रचार है कि इसमें सिर्फ रटना होता है। नहीं, रटने वाला सवाल नहीं पूछा जाता है। सर लोग पढ़ा देंगे, अगर आपको कह देंगे, कोई कह देता है आपको कि रटना होता है तो ठीक है, आप रट लीजिए, लेकिन आपसे सवाल नहीं बनेगा। सवाल तब बनेगा जब आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, एंड कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता ही है कि फिजिकल केमिस्ट्री को ही हम लोग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों में अप्लाई करते हैं, उसके रूल्स को ही अप्लाई करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक के हों या ऑर्गेनिक को हों, तो उनका कॉन्सेप्ट तो फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा। इसलिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, और उस अंडरस्टैंडिंग पे भरोसा रखिए, इनऑर्गेनिक का भी सवाल आपसे बन जाएगा। हाँ, उल जलूल टाइप का सवाल जो मोटा मोटा क्वेश्चन बैंक आता है, जो क्वेश्चन बैंक पे आप देखते होंगे कि मोर देन 40,000 क्वेश्चंस है या फिर मोर देन 50,000 क्वेश्चंस है, तो वैसे क्वेश्चंस का सारा जो है सो आंसर आपको कॉन्सेप्ट से नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको रटना पड़ेगा, लेकिन उसको रट करके फ़ायदा भी तो कुछ नहीं है। तो इस वजह से जो है सो हम कहते हैं कि कम पढ़ें, आगे बढ़ें। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, उसमें कौन कौन सा रिएक्शन है। और मेनली पहले हम लोग फोकस करेंगे एनसीईआरटी के केमिकल रिएक्शंस पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा जब हाइड्रोजन परऑक्साइड काम करेगा, वो भी अगर एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन कैसे होता है इसको जानने के लिए हम लोग पहले कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस दो हैं उसको देख लेते हैं। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बदलता है 2H2O में। तो एक तो ये वाला रिएक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, आयनिक इक्वेशन जब होगा तो इसको यूज़ करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर इक्वेशन होगा तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, H2O2 बदलता है H2O प्लस O में। ये दो रिएक्शन है। मॉलिक्यूलर जब रहेगा तो इसका हाफ रिएक्शन इसको भी बना करके यूज़ करेंगे, और आयनिक रहेगा तो फिर इसको यूज़ करेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी हम लोग आयनिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। जैसे पहला हम लोगों के पास एक है कि ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ इंटू Fe3+। तो Fe2+ ऑक्सीडाइज होता है, ये चेंज होता है Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन में, और इसके साथ इस इक्वेशन को जो है सो यूज करेंगे। तो इसको हम लोग लिख दें, अगर H2O2 प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस रिएक्शन गिव्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और आपको रेडॉक्स रिएक्शन में पता है कि ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में जितना है उतना ही राइट साइड में, जब तक नहीं होगा तब तक कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम करना है। अब दो इलेक्ट्रॉन इधर भी है, दो इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। एंड बाकी इक्वेशंस को हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा 2Fe2+ प्लस 1H2O2 प्लस 2H+, एंड दिस गिव्स 2Fe3+ प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से जो है सो ये रिएक्शन याद रखा जा सकता है, लेकिन समझ में आ जाए तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो ये तो सवाल ही है कि Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, किसी को भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन H2O2 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन 2H2O इसका एसिडिक मीडियम का मेन रिएक्शन है, और इस दोनों को ऐड करके बड़ी आसानी से इक्वेशंस को कंप्लीट किया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में हम लोग देख रहे हैं। उसमें दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें तो दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ PbS लीड सल्फाइड इनटू PbSO4। ये रिएक्शन को कैसे हम लोग लिखें ये देखना है। तो इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2O2 कन्वर्ट होता है H2O प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन, और PbS कन्वर्ट हो रहा है
PbSO4 में। अभी हम लोग कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इसमें जोर घटा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि PbS है, लेड सल्फाइड है, ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे 4 एटम्स ऑक्सीजन का दिख रहा है। नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, तो नेसेंट ऑक्सीजन कितना ऐड कर सकते हैं, चूँकि फॉर्मूला में आपको दिख रहा है कि इधर 4 है, दैट्स वाई 4 ऑक्सीजन एटम्स इधर ऐड करते हैं। तो इधर अगर ऑक्सीजन का एटम 4 हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों को इसको थोड़ा बैलेंस करना होगा। अगर कैंसिल करना है तो इधर भी 4 ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, और 4 ऑक्सीजन एटम इधर, टोटल 4, और ये इधर दिख रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन तो 2 और 2 है ही, बट ऑक्सीजन अगर इसके साथ हम लोग यहाँ पर 4 कर दें तो इधर 4 to 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को 2 करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 4 to 8 है, तो 2 से नहीं होगा, यहाँ 4 करना होगा। तो 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ और 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ, और 4 into 2 8 इधर, तो टोटल 8 ऑक्सीजन इधर भी है, 8 इधर भी है। अब इसको ऐड हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ से 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम कैंसिल कर दीजिए, और इधर हम लोगों को मिलेगा 4H2O2 प्लस PbS गिव्स 4H2O प्लस PbSO4। ये जो है सो हम लोगों का कलरलेस होता है, और ये लीड सल्फाइट ब्लैक कलर का होता है। इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो पुराने पेंटिंग्स होते हैं, ख़ास करके जो ऑयल पेंटिंग्स होते हैं, उसमें रेड कलर में लीड का ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो वो जो रेड कलर का लीड ऑक्साइड होता है, वो कई साल तक, 20-25-50 साल तक जब पेंटिंग रखा रहता है, तो वो लीड का ऑक्साइड रिड्यूस होकर के बदल जाएगा लीड का सल्फाइड में, और उसमें क्या है कि ब्लैक कलर का उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाएगा। तो जो रेड कलर है वो ब्लैक कलर से अगर कवर्ड हो जाएगा, तो फिर धुंधला हो जाएगा तस्वीर, लगेगा कि पुराना हो गया, अब इसको हटा देना चाहिए। बट उसको हटाने से अच्छा है कि उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट करवाया जाए। ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट ब्लैक कलर ऑफ लीड सल्फाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू कलरलेस लीड सल्फेट, एंड द रेड कलर ऑफ ओरिजिनल पेंटिंग इज़ विजिबल नाउ। दैट्स वाई उसका रीस्टोरेशन हो जाता है, और इस तरह से इसका ये एप्लीकेशन है कि बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लैक कलर इज़ कन्वर्टेड इनटू कलरलेस, ये इसमें कॉन्सेप्ट है और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। परऑक्साइड के एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें तीसरा रिएक्शन हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन आयोडीन में होगा, कैसे? तो हम लोगों के पास जो अपना रिएक्शन है H2O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O, एक तो ये, और I- ऑक्सीडाइज हो रहा है I2 में, तो यहाँ पे I2 हम लोगों के पास है, इधर बैलेंस करने के लिए 2I- लिखेंगे, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी दिख रहा है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली इसको ऐड करके लिख देंगे 2I- प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस गिव्स I2 प्लस 2H2O। तो ये हम लोगों के पास I- जो है सो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है I2 में। अगला रिएक्शन इसी सीरीज में हम लोग देखें, फोर्थ रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। सोडियम का हम लोग नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों लिख करके देखेंगे। सोडियम का Na2 है, इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे अगर, तो ये NaNO3 में बदल जा रहा है। अब ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हम लोगों के पास ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है, 2, और इधर दिख रहा है 3।
मतलब है कि इसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, और ये जो रिएक्शन है H2O2 डिकम्पोज करता है H2O प्लस ऑक्सीजन, तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसमें राइट साइड में आपको एक ऑक्सीजन दिख रहा है और इसमें लेफ्ट में दिख रहा है, दोनों इक्वेशन को इजीली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों के पास NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस H2O2, और इधर NaNO3 प्लस H2O रिएक्शन आप चेक कर लेंगे, तो इधर तीन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर, चार ऑक्सीजन, दो यहाँ और दो यहाँ, चार हाइड्रोजन, दो है हाइड्रोजन यहाँ भी तो दिख रहा है, और बाकी सब बैलेंस। तो ये सोडियम नाइट्राइट है हम लोगों के पास, सोडियम नाइट्राइट कन्वर्ट हो गया क्या चीज़ में, सोडियम नाइट्रेट में, किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन परोक्साइड, और ये ऑक्सीडाइज हुआ इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को अगर आप आयनिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये वाला जो इक्वेशन आपके पास है, तो इसमें हम लोग Na को यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हटा देंगे तो आयनिक फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग Na को हटा करके लिखें तो ये हो जाएगा NO2 माइनस प्लस H2O2, और इधर Na हटा देंगे तो हो जाएगा NO3 माइनस प्लस H2O। तो मॉलिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड आफ्टर राइटिंग इन मॉलिकुलर फॉर्म फॉर्म रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म, तो ऐसे लिखा जा सकता है।